प्रदूषण संबंधी जो बीमारी है सीओपीडी है, उसकी मात्रा काफ़ी, वैसे भी मरीजों की संख्या लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है और उसमें जितना प्रदूषण बढ़ता है सब हमारे ओपीडी में इन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, लगभग कितने प्रतिशत लोग मरीजों की संख्या बढ़ी है? और यदि अंदाज से कहें कोई ऐसे डाटा तो अब नहीं, वर्ल्ड वाइड कोई स्टडी नहीं हुई है, इंडिया की भी स्टडी नहीं हुई, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 20-30% मरीज बढ़ते जा रहे हैं सीओपीडी के। अच्छा, अगर अस्थमा की बात की जाए तो इसमें किस उम्र के पेशेंट ज़्यादा शामिल होते हैं? अस्थमा के जो मरीज हैं यंग मरीज ज़्यादा सब इसमें प्रभावित होते हैं। सीओपीडी की जो बीमारी है वो आफ्टर 40 ईयर्स की मानी जाती है, तो चूंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट एडल्ट आते हैं तो हम कह सकते हैं 12-40 ईयर्स की एज के बीच के ग्रुप के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे जैसे कि स्तर बढ़ रहा है प्रदूषण का, तो ऐसे में क्या बचाव किए जा सकते हैं? इसमें दो समस्याएं हैं, तो प्रदूषण बढ़ रहा है और दूसरा इससे मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम के बदलने से जिस पेशेंट्स को ट्रिगर की वजह से जिसकी दिक्कत होती है तो उसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं अपने को। तो जितने भी पेशेंट को अस्थमा का सिम्टोमेटिक कोई दिक्कत नहीं है वो इस मौसम में आके डॉक्टर को उनको अप्रोच करनी पड़ती है, उनकी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं लगातार। और किसी तरीके की दवाइयों के अलावा किसी तरीके के बचाव किए जा सकते हैं? नहीं, पेशेंट्स को वैक्सीन लगा जा सकते हैं, इस मौसम में जो इन्फेक्शन होते हैं वैक्सीन लगा लेंगे उनकी वजह से भी अस्थमा के या सीओपीडी अटैक कम पड़ते हैं, उनको लगा सकते हैं। जिन चीज़ों में दिक्कत है उससे उनको बचना चाहिए, और इसके बाद अगर नहीं होता फिर उनको जो मेडिकेशन आते हैं सबसे बेस्ट सूटेबल मेडिकेशन होते हैं उनको ये लेना चाहिए। सर, क्या प्रदूषण से एलर्जी हो सकती है? हाँ, होती है। किस तरह की? किसी भी तरह, जब भी जितने भी पॉल्यूटेंट्स चीज होते हैं वो बॉडी के प्रति जब रिएक्शन शो करते हैं तो उनसे एलर्जिक प्रिस्पेक्ट कर सकती है, तो अस्थमा के मरीजों के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। इन सब को हम लोग ट्रिगर फैक्टर बोलते हैं, जिन फैक्टर की वजह से, जिनको कारणों की वजह से अस्थमा का अटैक पड़ता है उसको ट्रिगर फैक्टर बोलते हैं।